डॉक्टर है या गुंडा, पहले पत्रकार अब सांसद लपेटे में हो गया हंगामा। क्या मैंने आपसे परमिशन चाहिए आने के लिए? मैंने आपको बोला कि आप ये करते हैं क्या? मैंने आपको आरोप लगाया, कोई थर्ड पर्सन बोला तो मेरे को बोलोगे आप अपने? कोई थर्ड पर्सन बोल, मेरे साथ नहीं आए हैं, मैं लेकर नहीं आया। कोई बोलेगा तो तुम बोलोगे मेरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो? हाँ, दिमाग ठीक है आपका? कोई गॉड फादर है? किसी और नेता की तरफ समझना मत, समझ रहे हो ना? मन बढ़ गया ज्यादा? बताइए कितने डॉक्टर से मिलकर आया, सीनियर के डॉक्टर से मिलकर आया? सब डॉक्टरों को लग रहा होगा कोई ढंग का नेता है, ढंग का सांसद है जो इतने प्यार से समझ रहा है, बात कर रहा है। इतनी गर्मी चलेगी? इसका देखना जी, जहां बार बैठता वीडियो बना के लेकर मैं फायर कराऊंगा। फर्स्ट यू लर्न द मैनर, डोंट टॉक, डोंट अटर अ सिंगल वर्ड, अंडरस्टैंड? अरे शांत हो जाइए ना डॉक्टर साहब, नेता के जाके साथ। ए भले हिसाब से बोलिए, दारू नहीं पिए हैं? दारू नहीं पिए हो? दारू नहीं पिए तो फिर क्यों भाषा इस तरह लैंग्वेज बोल रहे हो? क्या बात कर रहे हैं? एमपी से बात कर? मैंने क्या बोला? एक मिनट यार डॉक्टर, ऐसे मत साहब, आप इसको बताइए मैंने क्या बोला। मैंने कुछ बोला? मैं कुछ बोला? कुछ बोला कुछ तुम? मैंने कुछ बोला आपको? मैंने आपको कुछ बोला? एक थर्ड पर्सन बोल रहा है तो बोला आप? बोल दिया, कुछ बोला ही नहीं अभी तक आपने। मेरे को बताओ कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आओ, मैंने कोई बोला है? ब्लेम लगाया था डॉक्टर की रेगुलर लगातार ड्यूटी क्यों लगा? अरे भाई थर्ड पर्सन बोल रहा है, मैं तो नहीं बोला ना कि बाहर बैठते हो, ये बैठते हो, मारते हो, पीटते हो, मैं तो कुछ बोला? सारा कुछ आप ही बोलवा रहे हो और बोल रहे हो कि थर्ड पर्सन बोल रहा है। कीप योर माउथ शट, कीप योर माउथ शट, यू आर नॉट फिट टू बी, यू नीड टू बी टेकिंग साइकोलॉजिकल टेस्ट। दिमाग खराब है तुम्हारा, तुम्हारा दिमाग खराब है, इस तरह बात करते हैं? सारे डॉक्टर पढ़े लिखे होते हैं यार, रोल मॉडल होते हैं डॉक्टर, डॉक्टर रोल मॉडल होते हैं। तुम मेरे पेशेंट्स को टेस्ट किए जा रहे हो? चलो शांति से रहो ना। अरे बाहर इसको नोटिस बार बार इसको करिए। 11 बजे कौन कौन डॉक्टर? हाँ मेरी जिम्मेदारी है, क्या है? मैं आया, कुछ तो जेन्युइन समस्या है, जैसे यहाँ रेडियोलॉजिस्ट नहीं है तो मैं उसको किसी को, मैं सीनियर को बोल सकता हूँ, मैं किसी को बोल सकता हूँ, मशीनें खराब है तो उसको अपने स्तर से मैं शासन को लिखूंगा कि मशीन की व्यवस्था हो और डॉक्टरों की व्यवस्था हो। सबसे ज़्यादा बड़ा है कई जगह डॉक्टर चैम्बर खाली पाया गया, दलाल मिले, जो मैंने आपके संज्ञान में लाया है और आप वादा किया है कि मैं इशू करेंगे, कार्रवाई करेंगे। एक नहायत ही मैंने, मेरी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ, मतलब वो तो डॉक्टर सालाने लायक भी नहीं है, साइको है, कुछ और प्रॉब्लम है, उसको फैमिली प्रॉब्लम है। क्या बैकग्राउंड है, किस किया है उसका? बताया जा रहा है कि वो पत्रकारों को हेलमेट से मारते हैं। नहीं, वो बताया जा रहा है, आप तो पुराना केस है, तो मेरे भी संज्ञान में है, मैं तो उसको कुछ बोला नहीं कि मारे हो नहीं मारे हो, लेकिन अब मुझे कन्विंस हूँ तो सही में किया होगा। आज फिर वो बदतमीजी जो मेरे साथ इस तरह बात कर सकता है, इज नॉट फिट टू बे डॉक्टर, नॉट फिट टू बे डॉक्टर। तो इनके खिलाफ क्या एक्शन आपके क्या एक्शन लिए जाएंगे? अरे मैं भी लिखूंगा, आप भी नोटिस इशू करेंगे, डीएम भी करेंगे, ऐसा थोड़ा होगा ऐसे लोगों के बिना। तो मार देगा किसी को, गुस्सा आएगा तो किसी मरीज को मार देगा। क्या मानसिक रूप से बीमार लग रहे थे? मैं इसका वो कोई वो तो हूँ नहीं, लेकिन डॉक्टर से ऐसी चीज नहीं की जाती कि इस तरह का प्रतिनिधि मिसबिहेव करे। क्या उस डॉक्टर को मानसिक चिकित्सक की जरूरत है? मना कर रहे थे ना, मार्केट नहीं करेंगे ना, डॉक्टर है ना, पटके पटके तो नहीं करेंगे सीमा साहब। अब उसको जो पेपर पर वर्क होगा, पेपर पर कार्रवाई करेंगे, बोल भी रहेंगे करेंगे, पूछ लीजिए करेंगे। जिस तरीके से डॉक्टरों के चैम्बर में दलाल मिले हैं, तो आपको नहीं लगता कि स्वास्थ्य विभाग के यहाँ के जो जिम्मेदार है वो इन्वॉल्व है इसमें? उनको जानकारी चीज की? देखिए वो जाँच का विषय है, एक तो है कि सीरियस कंप्लेन है, डॉक्टर गया वो दलाल मिले। अब आपके साथ इसीलिए मैं साथ में ले लिया कि कोई ये ना हो कि मैं धरती नेतागिरी हो रही है। अब इनके संज्ञान में मैं तब इनको आरोप लगाऊंगा जब ये कुछ नोटिस इशू नहीं करेंगे, कार्रवाई जो इनके हाथ में है। देखो तो मैं सुझाव व्यक्ति हूँ और राजनीति के लिए राजनीति नहीं करता। एमएस साहब ने एक मैं भी एमएस रहा था, तो अगर जो चाहता तो मैं नोटिस इशू करता, पेपर वर्क ही करोगे ना, क्या करोगे आप? तो अगर ये नहीं करेंगे तो देन आई विल नॉट कैरी। सीएमएस साहब का ये कहना है कि वो बार बार नोटिस इशू करते हैं, उसके बाद कार्रवाई तब भी नहीं होती, तो ये एक बड़ा गंभीर मसला है। नोटिस के बाद कार्रवाई ना हो तो फिर कैसे कार्रवाई होगी? तो कार्रवाई के लिए हम मंत्री जी से बात करेंगे, सिस्टम के हिसाब से बात करते हैं ना।
अब हम उसकी सरकार को तो करें नहीं, देखो देख रहे हो कितने नार्मल से बात कर रहा था, मेरे को चढ़ना बैठा है डॉक्टर साहब, आई स्ट्रांगली एडवाइज वो नहीं है इस लायक मेरी को देखिए, आप उसको छुट्टी पर भेजिए, काउंसलिंग के लिए भेजिए। उस डॉक्टर के सामने स्टेटमेंट नहीं, तमाम डॉक्टर मजबूर हैं। अरे भाई उस डॉक्टर, तमाम डॉक्टर अपना काम करेंगे, कुछ डॉक्टर को देखेंगे, तमाम डॉक्टर मजबूर हैं कि क्या मतलब हुआ? कोई बदबूजी जो भी हुआ सांसद जी से बता दिए आप लोगों को, और मैं जो भी देखा हूँ मैं उसे नोटिस करूंगा, लिखित डॉक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे?